आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। बड़ी खबर, न्यायपालिका का संकट आज सुलझेगा नहीं, क्योंकि 3 जज दिल्ली से बाहर बताए जा रहे हैं। सिर्फ जस्टिस चेलमेश्वर ही हैं जो कि दिल्ली में हैं। खबर थी कि विवाद को सुलझाने के लिए चीफ जस्टिस आज नाराज जा रहे हैं, सिर्फ जस्टिस चेलमेश्वर हैं जो कि दिल्ली में हैं। मतलब चीफ जस्टिस अब चारों जजों से मिलकर बातचीत नहीं कर पाएंगे, इस मामले का निपटारा अब आज संभव नहीं है। ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ गया। आशीष, अब तो सीधे तौर पर ये माना जाए कि आज कम से कम इस मामले का निपटारा नहीं हो सकता, बातचीत संभव ही नहीं है। देखिए, दो अलग बातें हैं इसमें। पहली तो जो 3 जजेस हैं वो नहीं है, लेकिन जस्टिस चेलमेश्वर जिन्होंने इस पूरे मुहिम को आगे बढ़ाया, क्योंकि जस्टिस चेलमेश्वर पिछले 1 साल से लगातार जो भी कोलेजियम में चल रहा था या जो भी रोस्टर हो रहा था उसको लेकर लगातार वो विद्रोह कर रहे थे। तो जस्टिस चेलमेश्वर अभी दिल्ली में है। दूसरी अहम बात कि अटॉर्नी जनरल की तरफ से अभी प्रयास किया जाना बाकी है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने अभी हाल में कल ही कहा था कि सब कुछ शनिवार तक ठीक हो जाएगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि अटॉर्नी जनरल सीजीआई से कब मुलाकात करते हैं, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ही वो शख्स होंगे जो सीजीआई से मुलाकात करने के बाद ये जो दूसरे जजेस हैं जस्टिस चेलमेश्वर हैं उनसे वो जाकर मुलाकात करेंगे और अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि अटॉर्नी जनरल का यही कहना है कि ये संस्थान के लिए भी बेहतर है कि इन साइड मतलब कोर्ट रूम के प्रोमाइसिस के भीतर ही, यानी 4 दीवारी के भीतर ही आपस में इस पूरे मुद्दे को सुलझा लिया जाए। तो अभी उम्मीद बाकी है, देखना यही होगा कि अटॉर्नी जनरल की तरफ से कब पहल की जाती है और कब ये आपस में बातचीत करते हैं। कुछ ऐसी ही उम्मीद अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने भी जाहिर की है। उनका ये कहना है कि बातचीत के जरिए मामले को सुलझा लिया जाएगा। आशीष, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल दर्शकों को हम सुनवा देते हैं अटॉर्नी जनरल ने क्या कुछ कहा है। अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि बातचीत से हल निकल जाएगा और बातचीत के जरिए ही इस मामले का निपटारा हो पाएगा। आशीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष, 3 जज ऐसे हैं जो कि दिल्ली से बाहर हैं। वेणुगोपाल एक तरफ कह रहे हैं कि इस मामले का निपटारा होगा और बातचीत से ही संभव है, तो क्या ये माना जाए कि अब वेणुगोपाल ही इस खाई को पाटने की कोशिश करेंगे, वो जस्टिस चेलमेश्वर से भी मिल सकते हैं सीजीआई के साथ साथ? आपको पहले बोली कि क्योंकि जस्टिस चेलमेश्वर और सीजीआई के बीच की जो मुख्य कड़ी है वो है अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल। केके वेणुगोपाल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात की थी। उसके बाद जब मैंने वेणुगोपाल जी से पूछा कि क्या बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि मैं मीडिया के सामने तो नहीं कह सकता कि हमारी बीच में क्या बात हुई, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि शनिवार तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसे नहीं होना चाहिए था, उसे टाला जा सकता था, लेकिन अब चूंकि स्थिति ऐसी आ गई है तो ऐसे में मिलजुल कर एक रास्ता निकालना होगा ताकि आगे से सौहार्दपूर्ण तरीके से काम हो सके। तो देखना यही होगा कि आखिर केके वेणुगोपाल जो अटॉर्नी जनरल है वो मुलाकात कब करते हैं चीफ जस्टिस से, किसी भी माध्यम से, चाहे वो फोन से बात करें या फिर मिलकर बात करें। आखिर ये पहल की जो वो बार बार कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो शुरुआत कब होती है? वेणुगोपाल बार बार कह रहे हैं आशीष की बातचीत के जरिए हल निकलेगा और ऐसा नहीं होना चाहिए था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तक की नौबत आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो खामियां रही, जो मनमुटाव रहा, वो इस हद तक पहुंच चुका था। जैसे कि कल आंचल भी जिक्र कर रही थी कि छोटी पोटी खटपट ये नहीं है, कुछ बड़ा है, तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 4 जज और आज 3 जज दिल्ली से बाहर चले जाते हैं, इसको किस तरीके से देखें? क्या बातचीत सुलझाने की कोशिश जजों की तरफ से नहीं की जा रही है? देखिए, वो उनके हो सकते हैं कोई डेली रूटीन का या फिर कुछ उनका अपना कोई पर्टिकुलर कोई, चूंकि अभी वीकेंड चल रहा है इसलिए हो सकता है वो बाहर चले गए हों। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि आखिर 4 जजेस को क्यों सुप्रीम कोर्ट के बाहर निकलकर मीडिया के सामने आकर अपनी बातों को रखना पड़ा, क्योंकि जो कई सीनियर एडवोकेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका ये कहना है कि इसके और तरीके हुए किए जा सकते थे, जैसे कि सारे लोग एक साथ मिलकर, यानी फुल कोर्ट में सभी जब एक साथ होते हैं तब इस बात को रखा जा सकता था। दूसरा, अगर वहां भी सहमति नहीं बनती तो फिर बार, यानी एससीबीए के जो लोग हैं उनको भी शामिल किया जाता, जो वहां के प्रेसिडेंट है विकास सिंह उनको बुलाया जाता, अटॉर्नी जनरल को बुलाया जाता और तब इन बातों को रखा जाता।
तीसरा अगर उनको तब भी अगर लगता है कि अगर ये चीजें नहीं सुलझती तो उनको राष्ट्रपति के समक्ष एक पत्र लिखा जाना चाहिए था, लेकिन जो मीडिया के सामने आए ये चौथा स्टेज था, यानी तीन स्टेज को पार करके वो चौथे स्टेज पर आ गए। इसीलिए सब कह रहे हैं कि ये संस्थान के लिए सही नहीं है, क्योंकि कल तक जो लोग सुप्रीम कोर्ट जुडिशियरी के लिए भी ठीक नहीं है और कल से चर्चा बार बार यही हो रही है। शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देश में ऐसा पहली बार हुआ, देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब देश की सबसे बड़ी अदालत के चार वरिष्ठ सीनियर जज सामने आए मीडिया के और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रीम कोर्ट के कामकाज पर सवाल उठाए गए। सवाल अब यही कि लोगों को इंसाफ देने वाले सीनियर जजों को मीडिया के सामने क्यों आना पड़ा, ये रिपोर्ट देखिए। देश की सबसे बड़ी अदालत में सुप्रीम संकट। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इन ऑर्डर। मीडिया के सामने आए सुप्रीम कोर्ट के चार मौजूदा जज। जज बोले कोई ये ना कहे कि हमने आत्मा बेच दी। ब्लेम द चरमेश्वर रंजन गोगोई मदन लोकुर एंड कुरियन जोसेफ सोल्ड देयर सोल्स। क्या सुप्रीम कोर्ट में कुछ गड़बड़ है? ऐसा पहली बार हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट के चार चार जज मीडिया के सामने आए और सुप्रीम कोर्ट के कामकाज पर सवाल उठाए। मीडिया के सामने अपनी बात रखने वाले ये चार जज हैं, जस्टिस जे चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस मदन लोकुर। जस्टिस चेलमेश्वर ने साफ साफ कहा कि पिछले कुछ महीनों में कई ऐसी बातें हुई जिसके बाद चुप बैठना संभव नहीं था। But sometimes the administration of the Supreme Court is not in order. There are many things which are less than desirable which have happened in the last few months. इन चारों जजों ने सात पेज का एक लेटर भी जारी किया जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को लिखा था। चिट्ठी के पहले पेज में लिखा है, हम बेहद कष्ट के साथ आपके समक्ष ये मुद्दा उठाना चाहते हैं कि अदालत की ओर से दिए गए कुछ फैसलों से न्यायपालिका की पूरी व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इसके अलावा उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता पर भी असर पड़ा है। चिट्ठी में आगे लिखा है, सामान्य सिद्धांत है कि चीफ जस्टिस के पास रोस्टर तैयार करने का अधिकार होता है और वो तय करते हैं कि कौन सी बेंच और जज किस मामले की सुनवाई करेंगे, लेकिन इससे चीफ जस्टिस को उनके साथी जजों पर कानूनी, तथ्यात्मक और उच्चाधिकार नहीं मिल जाता। ये देश का न्याय शास्त्र है कि चीफ जस्टिस सभी बराबर के जजों में प्रथम होता है, न ही वो किसी से बड़ा होता है और न ही छोटा होता है। चिट्ठी में ये भी लिखा गया है, ऐसे कई मामले हैं जिनका देश के लिए खासा महत्व है, लेकिन चीफ जस्टिस ने उन मामलों को तार्किक आधार पर देने की बजाय अपनी पसंद वाली बेंचों को सौंप दिया। इसे तुरंत रोके जाने की जरूरत है। Blame the Chalameshwar, Ranjan Gogoi, Madan Lokur and Kurian Joseph sold their souls. They didn't take care of this institution. They didn't take care of the interests of this nation. We don't want it to be set. So we place it before the people of this country. अहम बात यह है कि इस चिट्ठी में जजों ने ऐसे किसी मामले का जिक्र नहीं किया, लेकिन ये जरूर कहा कि ऐसे मामलों की वजह से न्यायपालिका की छवि को नुकसान हो रहा है। ये न्यायपालिका है बिग बॉस का घर नहीं, जहां पर आपसी कलह और रंजिश दुनिया के सामने माहौल बन जाए, ये एक पक्ष है। इसीलिए शायद कई कानून के जानकार इस पूरे घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण मान रहे हैं, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि अन्याय करने वाले की तरह अन्याय सहने वाला भी पाप का भागीदार होता है। ऐसे में जिनका काम ही हो न्याय करना, अगर उनके साथ अन्याय हो तो वो कहाँ जाए। आशीष सिन्हा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। इस पूरे मामले ने न सिर्फ कानून व्यवस्था को हिलाकर रख दिया बल्कि इस विवाद पर अब सियासी घमासान भी बच गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया है। हमें आश्चर्य हो रहा है और दुख भी हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी, जिसको कि भारत की जनता ने रिजेक्ट किया है चुनाव दर चुनाव, उनको आज चुनावी अवसर नहीं मिल रहा है। वैसे में कांग्रेस पार्टी वहां अवसर ढूंढने की कोशिश कर रही है जहां उसे ढूंढना नहीं चाहिए। संविधान को ताक में रखकर जुडिशियरी के आंतरिक विषयों पर जब राजनीति करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करती है,
तो कांग्रेस पार्टी अपने आप को ही भारत की जनता के सामने एक्सपोज करती है और आज कांग्रेस पार्टी ने वो किया है। जो विषय सुप्रीम कोर्ट स्वयं देख रही है उस विषय पर बोलने का अधिकार, उस विषय पर कमेंट करने का और वह भी राजनीतिक टिप्पणी करने का अधिकार हम में से किसी को नहीं है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को यह पता होना चाहिए। बीजेपी नेता संबित पात्रा को आपने सुना जो कि कह रहे थे कि कांग्रेस इस मामले पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने क्या कुछ इस मसले पर कहा है वो सुनिए। जो सवाल उन्होंने उठाए हैं बहुत जरूरी सवाल हैं, इनको ध्यान से देखा जाना चाहिए, एड्रेस किया जाना चाहिए। उन्होंने जस्टिस लोया जी की बात उठाई है, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, हाईएस्ट लेवल सुप्रीम कोर्ट के हाईएस्ट लेवल जजेस के लेवल पे इन्वेस्टिगेशन होना। जो हमारा लीगल सिस्टम है उस पर हम सब भरोसा करते हैं, पूरा हिंदुस्तान भरोसा करता है और ऐसी गंभीर बात उठी है इसलिए हम इस पे स्टेटमेंट दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये सुप्रीम संकट जिसमें चार जजों से आज चीफ जस्टिस को मुलाकात करनी थी लेकिन तीन जज दिल्ली से बाहर है, ऐसे में देखना होगा अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल इस खाई को पाटने की कितनी कोशिश करते हैं और इस कोशिश में कितने कामयाब हो पाते हैं।